पहुंचे चार लोग हिरासत में लिए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे मतदान करने के लिए, चारों को नगर कोतवाली भेजा गया। गर्ल्स इंटर कॉलेज मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फर्जी मतदान करने पहुंचे चार लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल आधार कार्ड था उनके पास, वो फर्जी था और मतदान करने के लिए वो पहुंचे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। ये देखिए तस्वीरें, चार वो लोग जो अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, लेकिन जब देखा गया तो पता लगा कि ये फर्जी आधार कार्ड था और ये मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। फर्जी आधार कार्ड लेकर मतदान केंद्र में पहुंचते हैं और वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे थे ये। और इसी बीच एक बड़ी खबर मैनपुरी से आपको दे रहे हैं। मैनपुरी से क्या अपडेट है हमारे पास, वो आपके टीवी स्क्रीन पर रख दिया हमने। देखिए मैनपुरी के बूथ गोला बाजार पर फर्जी वोटिंग को लेकर खबर सामने आई है। देखिए फर्जी मतदान करने की कोशिश की गई बूथ गोला बाजार पर, ऐसी कोशिश की गई, हालांकि मौके पर ही फर्जी मतदान पकड़ लिया चुनाव अधिकारी ने। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड के जरिए मतदान करने की कोशिश की जा रही थी मैनपुरी में, लेकिन समय रहते चुनाव आयोग को इसकी सूचना मिली और इस बात की जानकारी मिल गई कि वो फर्जी व्यक्ति थे जो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। और इसी बीच देखिए मैनपुरी में बूथ गोला बाजार का यह पूरा मामला, जहां कोशिश की जा रही थी फर्जी मतदान करने की, हालांकि समय रहते चुनाव अधिकारी ने मौके पर ही फर्जी मतदान को पकड़ लिया, यानी कि साफ हो गया कि फर्जी मतदान करने की कोशिश थी। और मैनपुरी में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी एक समर्थकों मारपीट हुई, फर्जी वोट डालने को लेकर मारपीट हो गई। निर्दलीय समर्थक था फर्जी वोटर, पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। तो विवाद की तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही हैं और इस विवाद के बीच मैनपुरी से तस्वीर आप सामने आई है, जहां पर बवाल हुआ और इस बवाल को बढ़ने से हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बवाल की तस्वीर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मारपीट होने लगी। देखते ही देखते मामला ये था कि भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट हो गई, फर्जी वोट डालने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते यहाँ पर लात घूंसे चलने शुरू हो गए और काफी देर तक बवाल मचा रहा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है, पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। आप देखिए फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसने बवाल का रूप ले लिया और लात घूंसे यहाँ पर चल गए और आप देखिए किस तरीके से पुलिस जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं मैनपुरी के बाद आगरा की। आगरा में मुस्लिम बाहुल इलाकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, लोग जमकर मतदान कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी जूही प्रकाश लोगों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा दारोमदार ये है कि बीएसपी भी अपना दावा कर रही है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, आप खुद कह रही हैं, तो क्या लग रहा है कि बटेगा वोट या एक तरफा जाएगा? एक तरफा जाएगा, क्योंकि मैं खुद जा रही हूँ, मैं खुद विजिट कर रही हूँ, तो मैं अंदर तक खुद देख कर आ रही हूँ क्या है माहौल चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, एक तरफा ये अफवाहें, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। चेहरे पर मुस्कान है, कॉन्फिडेंस है जूही के, और आप लगातार आप भ्रमणशील हैं शहर में, तो क्या किस तरह का टर्नआउट हो रहा है? सबसे पहली बात तो लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यंग कैंडिडेट है, तो बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है मुझे ये चीज़ का, और ये बहुत एक्टिव है, सुबह से निकली हुई है, तो इस चीज़ का भी सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है। तमाम संघर्षों से आप निकली हैं, तमाम चाहे वो आर्थिक हों या सोशल बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है कि एक एक शहर को एक नौजवान बेटी के तौर पर एक मेयर कैंडिडेट मिल रहा है? हाँ, शहर को एक ऐसा युवा मिल रहा है जो पढ़ा लिखा भी है, सक्षम है, जिसको सारी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों के अच्छे से अवेयर है वो उन चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से बदलाव चाहेगी, क्योंकि बदलाव की स्थिति है। लोग खूब बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, पुलिसिया बंदोबस्त आप देखिए किस तरह से, जो घुड़सवार पुलिस है वो भी यहाँ मौजूद है। इस गली में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ SP कैंडिडेट जूही प्रकाश आई, उन्होंने लोगों से जनसमर्थन मांगा। BSP कैंडिडेट हैं डॉक्टर लता वाल्मीकि, वो भी यहाँ पहुँची हैं, वो भी जनसमर्थन मांग रही हैं। अब जनता जनार्दन को आशीर्वाद देना है, 13 तारीख को तय हो जाएगा कि शहर की सरकार किसे जनता चुन रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।